एवरीवन, मेरे चैनल मेहरुन निशा स्टिचिंग में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग के टॉप 11 डिज़ाइन देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। इन सभी की कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है मैंने। और आपको कौन सी ड्रेस डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सबसे पहला डिज़ाइन हमारा अंगरखा स्टाइल, जो कि मैंने 3 से 4 साल के लिए बच्चों के लिए बनाया था। और जो मैंने वीडियो जो मैं डालूंगी जिसको आप देखेंगे उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, आप उसको देखकर हर उम्र के बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो ये मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो है, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये अंगरखा स्टाइल में है, देखिए इस तरीके से खुलता है और इसके नीचे मैंने धोती बनाया हुआ है। धोती किस तरीके से कटिंग होगा, स्टिचिंग होगा, क्या फॉर्मूला है, वो भी साथ में इसकी दो वीडियोस हैं जो कि मैं दोनों अलग अलग मैंने सेपरेटली अच्छे से बताया था, तो आप उसको देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट डिज़ाइन है। इसके साथ मैंने पेयर किया है पिंक कलर का धोती, ये देखिए इस तरीके से है। और ये पूरा स्टिच नहीं किया है इस तरीके से, देखिए क्योंकि ये बच्चों का है तो इसको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड डिज़ाइन की तरफ। तो सेकंड डिज़ाइन जो है हमारा, देखिए इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था कॉलर वाला बच्चों के लिए टॉप, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आप बेल्ट अटैच कर सकते हैं कमर के पास और नीचे आप इसके शॉर्ट जो पैंट होते हैं बच्चों के वो आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी भी वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाली हुई थी, आप उस पर देख सकते हैं। और मैंने अब सेपरेटली ये चैनल मैंने शुरू कर दिया बच्चों के डिज़ाइनिंग के लिए, और जो मेरा पहला वाला चैनल है उस पर दोनों ही तरह के डिज़ाइंस डालती हूँ। तो देखिए अब ये हमारा है तीसरा डिज़ाइन, जो मैंने एक फ्रॉक बनाया है, ये भी हमारा बेबी डिज़ाइन है। और देख सकते हैं ऊपर से कोटी टाइप का ये आ रहा है, नीचे एक बो है काफ़ी ब्यूटीफुल सा, और इसके ऊपर इस तरीके से हमने हाथ से बुना हुआ एक फ्लावर अटैच किया है। और ये बैक पार्ट है इसका और इसमें बॉक्स प्लेट हमने डिज़ाइन दिया है। इन सभी की जो वीडियो की जो फुल जो भी लिंक है, पूरी वीडियो किस तरीके से बनी है उन सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये आ गया हमारा फोर्थ। इसका हर जो फ्रॉक में या ड्रेस में आप डिज़ाइन देख सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ यूनिक है और सबका अलग स्टाइल है। इसका कॉलर सबसे अलग है, देख सकते हैं आप इसका। और नीचे मैंने इसके बॉर्डर में बॉर्डर दिया हुआ है इसके टॉप वाले पार्ट के फैब्रिक से। तो ये हमारा फोर्थ डिज़ाइन हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये। और ये हमारा आ गया फिफ्थ डिज़ाइन, देखिए। और मैंने यही ये जो ड्रेस बनाया है पूरा साथ में इसके, इसकी मैंने इसी में वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे। इस पर मेरे अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं है तो इसमें आपको इजीली मिल जाएगा, बट फिर भी मैं इस पर लिंक डाल दूँगी नीचे। साथ में मैंने इसके ये पेयर किए हैं पजामा और स्लीव्स में मैंने इसके गोटा पट्टी अटैच करा हुआ, जैसा कि आपने देखा है। ये सब डिज़ाइंस बच्चों पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये भी 3 से 4 साल के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। और इसको आप चाहें तो बना सकते हैं अपने घर में बच्चों के लिए। और इसका नेक्स्ट डिज़ाइन अब देख लेते हैं। देखिए ये मैंने बनाया है अम्ब्रेला फ्रॉक, ये फ्रॉक भी 3 से 4 साल के बच्चों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मैंने अपने जो पुराना वाला चैनल है द गर्ल्स डायरी, उससे मैंने इसका फ्रॉक बनाया था अम्ब्रेला फ्रॉक, तो उसमें से जो मेरे पास फैब्रिक बचा था मैंने उससे ये रेडी करा है। और जो मेरे पुराने वाले चैनल पर मैंने जो अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया उसके नीचे मैंने धोती किस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे वो भी मैंने पूरी वीडियो उस पर डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट डिज़ाइन, और जिसमें मैंने ये डिज़ाइन इसमें गोटा पट्टी से ऊपर डिज़ाइन दिया है, किनारी में लेस लगाया, काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग देकर हमने इसको पूरा रेडी करा था। और ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुली सूट रेडी हुआ था। और इसके साथ हमने पेयर करा था शरारा, और इसकी भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला था। और इन सब के मैं लिंक जो है लाइन वाइज में डाल दूँगी, डोंट वरी, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। देखिए शरारा बनाए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये दोनों पेयर करने में बहुत ही अच्छे लगेंगे बच्चों के ऊपर। ये सब तरह के डिज़ाइन बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप ढंग से पेयर करें तो। देखिए ये हमारा ये फुल डिज़ाइन है। और अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो मैंने बनाया हुआ है वो ये है, जो श्रग टाइप का है और इसके नीचे जो है ए लाइन फ्रॉक, ए लाइन जिसे आप सूट कहते हैं, सूट है इसके नीचे ए लाइन, और ये श्रग टाइप का, आप चाहें तो इसे जीन्स पे टॉप पहनाकर बच्चों को और उसके ऊपर श्रग की तरह स्टाइल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसके साथ जो हमने ए लाइन सूट पेयर किया है वो देख सकते हैं आप इस तरीके से है, और ये भी काफ़ी सुंदर लगे, बहुत सुंदर लगता है ये। अगर इसको देखिए, इसका लुक देखिए कितना अच्छा आएगा, दोनों जो कलर जो है एकदम बिल्कुल ऑपोजिट है, जिस वजह से इसका लुक काफ़ी सुंदर लगता है, ये देख सकते हैं आप।
और ये 4 से 5 साल के बच्चों को बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ये इनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। और जो वीडियो में आप फॉर्मूला सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप हर साइज़ के बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बंधेगा। आप चाहें तो मल्टी कलर डिज़ाइन देकर भी इसको बना सकते हैं तो वो और अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सिंपल जैसे मैंने बनाया है एक कलर के साथ, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन। तो देखिए ये है यंग रखा स्टाइल में ही है, इसमें हमने पोटली बटन्स लगाए हैं और ये भी 3 से 4 साल तक के बच्चे को बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए ये टॉप है हमारा अंगरखा स्टाइल टॉप बनाया हुआ और इसके नीचे हमने धोती पेयर किया हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरीके से है धोती। तो इसके साथ ये धोती है और बहुत ही अच्छा लगेगा, ये भी एक अलग ही यूनिक डिज़ाइन है। और अब हम इसका फुल लुक देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैंने क्या डिज़ाइन तैयार करे हुए हैं। और सब कोई ना कोई अपने आप में अलग ही अलग डिज़ाइन है। देखिए ये मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डाला था ये टॉप बच्चों का, इसमें मैंने पाइपिंग अटैच किया हुआ है, आगे पट्टी दी हुई है वाइट फैब्रिक का। और ये पजामा मैंने इसके साथ पजामा नहीं बनाया था, जो दूसरा मैंने फ्रॉक बनाया उसका पजामा इसके साथ पेयर कराया है मैंने। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। दोनों ही साइड्स में कट दिया हुआ है और पाइपिंग लगाई हुई है इसमें, ये देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और ये है हमारा आज की वीडियो का सबसे लास्ट डिज़ाइन, जो कि मैंने क्रिसमस इवेंट के लिए बनाया था बच्चों के लिए। इसमें बॉक्स प्लेट डिज़ाइन दिया हुआ और ये स्कर्ट है, काफ़ी क्यूट लग रहा है और ये 2 से 3 साल के बच्चों को आएगा ईजीली। और देखिए इसके ऊपर का टॉप इस तरीके से बनाया हुआ है, ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए है। एंड आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो बस इतना ही।